पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित रूप से जो आतंकवादी घटना की गई है, हमारे देश के 42 से 44 सैनिकों को मारा गया है, विस्फोट करके उड़ाया गया है, उन आतंकवादियों को अमेरिका की तरह पाकिस्तान में घुस करके चुन चुन के मारा जाए और जिससे हमारे जो देश के सैनिक हैं इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति घटना ना हो और हमारे देश के सैनिकों के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहायता राशि दी जाए, कम से कम 50 लाख रुपए प्रत्येक के परिवार को दिया जाए। और हम लोग सभी अधिवक्ता घोर निंदा करते हैं और हम सभी अधिवक्ताओं ने ललितपुर के जिलावार के जितने भी अधिवक्ता हैं आज कार अपने कार से व्रत रहे हैं, कोई भी अधिवक्ता कोई कार नहीं कर रहा है। सारे अधिवक्ताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है, जिलावार भवन में 2 मिनट का एक शोक संतप्त करके उनके परिवार को। सरकार को बहुत सजगता के साथ और बड़ी कठोरता के साथ कार्रवाई करना चाहिए। हमारे इंटेलिजेंस का इनपुट था कि इस तरह की वारदात हो सकती है, इसके बावजूद इतनी दुर्दांत घटना हुई और ये पूरी तरह सरकार का फेल्योर भी है। इतने बड़ी संख्या में सैनिक जो कि कभी भी गाड़ियों से उनका आवागमन नहीं होता है, इसके बावजूद 2500 सैनिक उनको जिंदगियों को रिस्क लेते हुए उनका आवागमन किया गया, ये पूरी तरह सरकार का फेल्योर है। और हम ये मांग करते हैं कि जिस तरह अमेरिका ने ओबामा को नष्ट करने के लिए एक ऑपरेशन किया था और पाकिस्तान में जाके ओबामा को नष्ट किया था, उसी प्रकार पाकिस्तान जाकर अजहर मजहूर और जैसे मोहम्मद के जितने भी सरगना हैं उन सबको नेस्त नाबूद कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में सरकार को पाकिस्तान से रिश्ते ख़त्म कर देना चाहिए, क्या उपाय है, क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को पाकिस्तान से पूरी तरह रिश्ते ख़त्म कर देना चाहिए। जब तक कि इस तरह की वारदातें होती रहेंगी पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त हो रहेगा, हमको किसी भी तौर पर जैसे सिर्फ क्रिकेट के मैच बंद कर देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमारी जो व्यापारिक संधि है वो ख़त्म हो, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो समाप्त हो, जब पूरी तरह शांति स्थापित हो और पाकिस्तान इस तरह की घटनाओं में अपनी मदद नहीं करे तभी हमें पाकिस्तान से रिश्ते बनाने के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम आतंकवाद का रास्ते की ओर अग्रसर करता है वो गलत रास्ते पर हैं। इस्लाम ने हमेशा शांति का पैगाम दिया है और इस तरह के लोग की कोई भी कौम नहीं, कोई भी मज़हब नहीं होता है। जिहाद खुद से था तेरा, औरों को क्यों रुलाया, बस इतना बता दे मुसाफिर, इस तरह जन्नत जाके भी तूने क्या पाया। इसका जवाब ये है, जिसने जैसा किया उसको ईंट का जवाब पत्थर से। आपने 40 मारे, हम 400 मारेंगे। सैनिकों के लिए बिल्कुल जियो सिम जैसा फ्री कर दें आप, एक बार केवल। घर का भेदी लंका ढाए वो हमेशा, क्योंकि जैसे घर का चोर पकड़ा नहीं जाता कभी, इस प्रकार से वो है पाकिस्तान, ये है हिंदुस्तान। जहाँ हिंदुओं का गढ़ है हिंदुस्तान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वह हमने गीत लिखा था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेश भाषा चाहे नहीं है। तो क्या है कि जिसने जैसा किया उसका जवाब उसी से, जैसे लिखा था कि मिले शुष्क रोटी जो आज़ाद रहकर, तो वो भी है गुलामी के हलवे से बेहतर। पहली चीज़, आपने जैसा किया सऊदी अरब जैसा, आपने एक आँख फोड़ी दो हम आपकी फोड़ देंगे, आपने एक फोड़ी हमें एक से दिखेगा लेकिन आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। उस पर लिखा था हमने कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और घर में हो अगर अर्थी तो बारात बुरी लगती है। मेरे यहाँ आप मोदी जी आ चाहे कोई आए, हमें कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें भी शोक मनाना चाहिए। इसमें
मोदी सरकार को भी शोक मनाना चाहिए, जो प्रोग्राम झांसी में हो, इटारसी, भोपाल, ग्वालियर, उसको कैंसिल करना चाहिए। ये घटना नहीं, ये तो जो घटना है वो सभी जानते हैं, लेकिन जिसको बीमारी पड़ती है वो दर्द जानता है। जिनके परिवार के लोग सैनिक मरे होंगे, उनके बच्चे परिवार के लोगों की हालत देखिए क्या होती है। ऐसे में पाकिस्तान से रिश्ते भारत को खत्म कर देना, हाँ टोटल बिल्कुल, सदैव रहेगा बांसना बजेगी बांसुरी, पहला सिद्धांत है हमेशा के लिए खत्म। तो क्या पाकिस्तान में घुसके मारना चाहिए लोगों? बिल्कुल, एक तरफ से जियो फ्री करो सैनिकों को, पूरे रक्षा मंत्री से कहें कि बिल्कुल छूट दे दें एक बार के। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। जो उसकी सिक्योरिटी, वो कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, मैं कहूँगा बिल्कुल भी टाइट नहीं है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, हम उससे कभी भी रिश्ता रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ते रखने का मतलब है धोखा खाना। कितनी ही बहन है जिनकी कल सिंदूर उजड़ गया है, कितनी माँ की गोद सूनी हुई है। ऐसे में हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो कोई एक्शन ले रही है, बल्कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी का एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी के दुश्मन हैं, ये जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी को खोखला कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए और हमारी भारत सरकार को पाकिस्तान में घुसकर उसको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहता हूँ कि मिटाकर पतझड़ मौसम बसंत कर दो, मिटाकर पतझड़ मौसम बसंत कर दो, बिस भरी आंधियों का अंत कर दो, अगर आंख पथहीन हो हिंसा की चमक से, तो मन को मंदिर और विचारों को शांत कर दो।